हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आपकी नेहा, राजस्थानी रसोईविद नेहा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू का रायता। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऐसी हमारी न्यू वीडियो देखने के लिए। तो आइए फिर हम बनाते हैं कद्दू का रायता। तो हमने यहाँ पर लिया है एक कद्दू, हम इसको बीच में से कट कर लेंगे और पीसेस में कट कर लेंगे और इसको छील लेंगे। इस तरीके से हमने छील लिया है, अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। हमें इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है बारीक बारीक। तो हमने यहाँ पर सारा कद्दूकस कस लिया है। तो अब हम इसे बर्तन में डालेंगे, बॉयल होने के लिए रख देंगे। हमें 2 से 3 मिनट के तक इसको बॉयल करना है। जो कद्दू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो ये जल्दी से गल जाता है। तो हमारा कद्दू हो गया, तो हम गैस करेंगे ऑफ और इसे हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। तो हमने इस तरीके से निकाल लिया इसको और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और हम पानी इसका बिल्कुल निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे अच्छे से। तो हमने लिया है दही, दही हमें एकदम गाढ़ा दही लेना है। तो अब हम डालेंगे इसमें मसाले। हमने लिया 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और हमने लिया 1/2 चम्मच पुदीना पाउडर और अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच काला नमक और यहाँ पर डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। हम यहाँ लाल मिर्च नहीं डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और हम डालेंगे 2 चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर भी सफ़ेद नमक नहीं डाला, जब हम सर्व करेंगे तो तुरंत सफ़ेद नमक डाल लेंगे, नहीं तो दही हमारा खट्टा हो जाएगा अगर हम अभी डाल देंगे नमक। तो हमने यहाँ पर ठंडा कर लिया है कद्दू और इसको निचोड़ भी लिया है, पानी निकाल लिया एक्स्ट्रा पानी जो था। और हमें बिल्कुल ठंडा ही दही में डालना है, अगर हम गरम कद्दू अगर दही में डालेंगे तो दही हमारा फट जाएगा। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो हरा धनिया भी बारीक कट करके डाल सकते हो, आपको जो मसाले पसंद हो जैसे लाल मिर्ची वगैरह वो भी आप डाल सकते हो इसमें। तो हमारा रायता बिल्कुल तैयार है। तो हम करेंगे ऊपर से गार्निश। हमने डाला है कद्दू कस के हुआ कद्दू ऊपर से और अब हम डालेंगे इस पर हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो हमारा कद्दू का रायता बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा आप सभी को।